जो डेटा है उसका कुछ 50-60% ही अगर रिकवर हो जाए तो हमारा काफी काम बन जाएगा, वरना फिर देखेंगे कुछ जुगाड़ लगाना पड़ेगा। गुड मॉर्निंग है जी दोस्तों, वेलकम टू मंडे ब्लूज। मंडे का एक और दिन चालू करते हैं आज। दरवाजा खुल क्यों नहीं रहा, ये दरवाजा अड़ रहा है, ये ऐसे मैग्नेटिक से दरवाजा हो गया। चलो इसको बाद में देखेंगे। सुबह के पौधे अच्छे लग रहे हैं, हमारे फर्न्स आर अलाइव एंड एक्टिव एंड मौसम इज ऑल्सो सपोर्टिव ऑफ मंडे ब्लूज को हम लोग कन्वर्ट करेंगे मंडे मोटिवेशन में। ग्लास आधा खाली है या ग्लास आधा फुल है इसके बारे में मुझे नहीं पता। दिस इज सम रबड़ प्लांट समथिंग समथिंग, दिस इज फर्न जो बहुत बड़ा होता था। ये कोई तो प्लांट है जिसके अंदर से व्हाइट कलर के फ्लावर्स निकलते हैं, आई डोंट नो कौन से, आपको पता है तो कमेंट्स में बताना। आई थिंक ये इसकी वजह से अड़ रहा है शायद। दैट आल्सो रिमाइंड्स मी, इन माय डिफेंस मैं वो बच्चा ही नहीं था जिसको बचपन से ही स्किपिंग पसंद हो, 3 महीने से ही स्किपिंग नहीं करी। चलिए आइए दिन चालू करते हैं। याद है मैंने आपको कैसे बोला था, आज मौसम अच्छा है, वेरी सपोर्टिव। नो नो नो, इट इज नॉट। दिल्ली का यही है, जब मौसम अच्छा होता है तो बहुत अच्छा होता है, और जब मौसम नहीं अच्छा होता तो बहुत गड़बड़ कर देता है। जबरदस्त जबरदस्त गर्मी। तो एनीवे कुछ कुछ अभी काम है, काम निपटाएंगे। मंडे का दिन है, गर्मी है तो क्या हुआ, वर्क शुड नॉट स्टॉप फॉर गर्मी। यार बातों ही बातों में अगस्त शुरू हो गया, ऐसा लग रहा है 2022 कल ही शुरू हुआ था। मतलब ऐसा नहीं लगता आपको, जैसे जैसे महीने निकलते रहते हैं कि भाई साल बहुत जल्दी निकल रहा है। आज एक और चीज भी फिगर आउट करनी है, बहुत टाइम से डेटा जो आपको बता रखा था उसका आज अल्टीमेटम करना, उसकी वजह से काफी इश्यूज वगैरह हो रहे हैं। या तो आर या तो पार, अब वो रात में बैठ के करेंगे, अभी कुछ कुछ काम कंप्लीट कर लें एक बार, तो फिर घर जाके तसल्ली से बैठ के उसको करेंगे। आप कुछ कुछ इतने टाइम लैप्सेस एंजॉय करो। डन। Way back before we blew it all. Take me back to a place where I felt at home. Take me back to a day when we weren't alone. Take me back to an age when the world felt small. Way back before we blew it all. काम वगैरह चल रहा है बस। कुछ खबर है तेरे को? क्या बना रही हो मम्मा? बता चुके मम्मा मुझे क्या बन रहा है। छोड़ यार, फिर मैं जाता हूँ यार। नहीं नहीं बता दो। मैं बताने आया था। कि बन रही है? तो बिजी है। दाल मखनी। दाल मखनी तो बन रही है, साथ में वो बन रही है तंदूरी रोटी। हाँ, डिफरेंट तरीके तंदूरी रोटी बन रही है आज। यस, आज सोमवार का फास्ट है ना, और स्पेशल खाना बन रहा है। लेकिन सातवीं वाला, सातवीं वाला खाना बन रहा है। फास्ट का तो बता दिया हमने कि फास्ट रखते हैं हम लोग, खाने का भी होगा थोड़ा। सावन का आप बताया था, सावन का महीने का श्रावण क्यों बोलते हैं इसको, एक बार जब अपना वो आया था तब बताया था मैंने। हाँ। मेरे घर अप्रैल का महीना था जब वो न्यू ईयर कैलेंडर शुरू हुआ था, बताया था ना मंथ के नाम, हमारे देसी मंथ के नाम जो होते हैं क्यों होते हैं। आज कोई शॉर्ट ट्रिविया दे दो। आज कोई शॉर्ट ट्रिविया दे दो। यस, आज जैसे तू बोलता है वैसे कर दूं। चल मैं भी एक क्विज कर लेता हूँ, लेकिन ऑनेस्टली बता देना जितना लोगों को पता होगा। चलो अच्छा, वो गेस 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 पर गेस पर श्रावण श्रावण महीना जो शिव जी से रिलेटेड है ना, वैसे तो ऐसा सारे ही होते हैं बट स्पेसिफिक मार्कर रखे ना जैसे फॉर कंसिडरेशन। ये ऐसे चलो क्या पूछूं क्वेश्चन, ये बता। हाँ चलो, शिवजी के कितने मुख हैं? अच्छा बताओ, गेस करो। ऑनेस्टली बताने, मैं तो अभी बता ही देता हूँ। चलो कितने होते हैं, जैसे होता है ना भाई, ऐसे हमारे जैसे अलग अलग होते देवता, शिवजी के अकॉर्डिंग टू शिव पुराण 5 मुख होते हैं। अच्छा। हाँ, फोटो में एक ही दिखाते हैं, लेकिन शिव पुराण में जैसे हम पढ़ते हैं ना तो उसमें 5 होते हैं। जैसे वो आरती में भी आता है, आरती का मीनिंग जैसे आरती पढ़ लेते हैं, लेकिन ज्यादातर मेजोरिटी होता है लोगों को मीनिंग नहीं पता। उसमें आता है ना एकानन चतुरानन पंचानन राजे हंसासन गरुड़ासन विश्वाहंसाजे। एकानन मतलब विष्णु भगवान जी, एक चतुरानन ब्रह्मा जी के 4 मुख होते हैं वो चतुरानन, पंचानन मतलब शिव जी के लिए उनके 5 मुख हैं। ऐसे हंसासन गरुड़ासन विश्वासन, हंसासन ब्रह्मा जी है उनकी सवारी है हंस, गरुड़ासन विष्णु जी की गरुड़ वो सबको पता ही है, और शिव जी के वृष वृष मीन्स वो बैल ऑक्स, तो इसलिए तो उनके 5 मुख होते हैं। टुडे इज ट्रिविया, टुडे इज ट्रिविया, ज्यादा मेजोरिटी मतलब कि लेस नॉन फैक्ट है ये, लेस नॉन फैक्ट है। ऐसे और फैक्ट्स अगर आपको जानने हो तो कमेंट्स में बताना। पापा जी बताओ का, उसके धनुष्बाण का क्या, उनके धनुष्बाण का क्या नाम था, ये काफी लोगों को पता है जो राम भगवान ने उसकी प्रत्यंचा चढ़ाई थी। ये आप कमेंट्स में बताना, अगले ब्लॉग में बताएंगे। ये तो काफी लोगों को पता, काफी लोगों को पता होगा ये, काफी बट ये मेरे हिसाब से बहुत कम लोगों को पता होगा कि एक्चुअली में उनके 5 मुख है, लेकिन फोटो में जब जगह एक ही दिखता है ना तो इसलिए पता होता है। बट अकॉर्डिंग टू शिव पुराण
जो पढ़ते हैं उनको पता है उसमें, और आरती में बकायदा इसमें कि मैं उसको जैसे कहते ना लिंक कर दिया, लॉजिक लिंक्ड, जैसे होता ना कि हाँ भाई दिस इज फैक्ट चेक, सोर्स फेड, सोर्स फेड, सोर्स फेड। चलो चलो अब बॉडी फीडिंग भी करे, खाना खाया जाए। वो टेस्टी टेस्टी दाल मैं तो तेरे को यही पता नहीं आता, पर यार मेरा तूने वो कर दिया, मेरे को सब पता रहता है। ये बनी है जी दाल मखनी। आज दिन भर था व्रत और अभी हम लोग रात में खा रहे हैं दाल मखनी और तंदूरी रोटी। ये पीछे भी बनाई थी ना तंदूरी रोटी, तो ब्लॉग में दिखाया था, मेरे को याद नहीं आ रहा कब बनाई थी। वो दूसरे तरह की थी, ये दूसरे तरह। हाँ वो मम्मा ऐसे ऐसे कर रही थी, थंबनेल में भी डाला था वो। क्या था वो? ये दूसरे तरह की तंदूरी रोटी है, वो दूसरे तरह की थी। अच्छा दूसरे तरह की, ये दूसरे तरह की, दो तरह की है ये, बिना लहसुन प्याज। हाँ एकदम बढ़िया खाना व्रत के लिए, दाल मखनी ये। और ये खाना खत्म करोगे तो फिर मिलेगा घेवर, हम लोगों को भी मिला था घेवर। घेवर आज मंडे है ना, मंडे सावन का मंडे, आज थर्ड मंडे है ना, आज थर्ड एक मंडे और, तो नेक्स्ट मंडे फिर वो होगा, एक मंडे और दो जी बटर दे दो, बटर मना हो गया जी। अरे भाई जितना है उतना ही खा लिया, हमें कोई जो मिल जाए वो खा लो भाई, खा लो हमें कोई दिक्कत। पर हम लोगों ने बैलेंस कर दिया, कल हम लोगों ने अच्छे से खाना खाया, फूडी संडे, आज हमारा फास्ट था, तो हमारे वो हो गया ना बैलेंस हो गया, सब बैलेंस ही होता है। इतना कोई हमें बार बार बोल के हमें अपने आप को गिल्टी कॉन्शियस करते हैं, सब बैलेंस होता है। यस अभी ना कुछ व्लॉग्स पहले आपको मैंने बताया था ना कि ये एक मेरी हार्ड डिस्क का डेटा गड़बड़ हो गया था, तो ये नई हार्ड डिस्क थी और मेरे पास इस ब्रांड की और दूसरे ब्रांड की, दो ही ब्रांड मार्केट में होते हैं हार्ड डिस्क वाले, हार्ड डिस्क पड़ी हुई है। तो ऐसा पहली बार हुआ था, लेते ही ये हार्ड डिस्क खराब हो गई थी। अब ये हार्ड डिस्क खराब हुई लेते ही, बट इसका जो साइंस है ना वो देखने शुरू हुए एक दो पॉइंट के बाद। तो इसके अंदर एक ट्रिप का डेटा है जो अब ऑलमोस्ट मतलब ऐसे उड़ गया है। अब कैसे समझाऊं आपको कि इसका डेटा आधा गायब हो गया, वो दिख ही नहीं रहा। उसमें 800 GB का डेटा है, बट जब उसको रीड करते ना, मतलब किसी भी कंप्यूटर में, मैक में, विंडोज़ में, कहीं पे भी डालते हो, तो वो 800 की बजाय 400 GB ही दिखाता, बाकी 400 GB दिखाता ही नहीं है। तो मैंने ऑनलाइन काफ़ी रिसर्च करी, कोई बैड सेक्टर हो या कुछ हो, मैंने फिर उसकी डायग्नोसिस ऐप डाल के भी चेकआउट करा, तो कुछ कुछ सेक्टर्स रीड नहीं हो रहे इसके अंदर। तो इसको रिकवर करने के लिए सॉफ्टवेयर वगैरह खरीदा था, कुछ कुछ वो चालू हो रहा है, सिस्टम सुबह से लगा हुआ उस चक्कर में, तो आज तो यहाँ पे नहीं सो पाएंगे। कंप्यूटर रूम लाइट ऑफ। रात के अभी बज रहे हैं कुछ 1:27 और अभी ना लैपटॉप को बिल्कुल छेड़ नहीं सकता, क्योंकि अगर लैपटॉप को छेड़ा तो ये हार्ड डिस्क खिल जाएगी, और ये हार्ड डिस्क खिली तो मेरी ये 6 घंटे की मेहनत खराब हो जाएगी। तो अभी डेटा को ट्रैक होने देते हैं, रिकवर होने देते हैं, जो मर्जी है, और हम लोग आज बाहर सोफे पे सोएंगे। होपफुली कल जब सो के उठे और कल के ब्लॉग में हमारा जो डेटा है उसका कुछ 50-60% ही अगर रिकवर हो जाए तो हमारा काफी काम बन जाएगा, वरना फिर देखेंगे कुछ जुगाड़ लगाना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा। चश्मे के साथ रिफ्लेक्शन आती है ना। चलो गुड नाइट। लाइट बंद कर दिया, पर पंखा बंद नहीं करा, क्योंकि ना लैपटॉप को अभी मैंने रखा हुआ है बेड के ऊपर, एंड ऑल दो जो ये लैपटॉप है ये विदाउट फैन है, बट थोड़ा सा गर्म हो जाता है, तो इसलिए मैंने पंखा लगा के छोड़ दिया है। और अब इसको मैंने वो क्या होता है नो स्लीप मोड पे डाल दिया है। 78% दिखा रहा है, कुछ अराउंड इसके अंदर 9.7 बिलियन फाइल्स हैं एंड 5.6 बिलियन, फाइल्स नहीं सॉरी सेक्टर्स, 9.7 बिलियन सेक्टर्स हैं एंड 5.6 बिलियन सेक्टर्स अभी तक इसने रीड कर लिए हैं, कुछ अराउंड 4 बिलियन। जी हाँ, मतलब मैं सुबह से इसको तीसरी या चौथी बार लगाया और फिर मैं देख रहा था, मैं आधे घंटे बाद बंद करते रहता हूँ, तीसरी या चौथी बार देख के मैंने कैलकुलेट करे भाई कितने जीरो है, 10 जीरो होते हैं, तब मेरे को पता चला 1 बिलियन में 10 जीरो होते हैं। 9 बिलियन सेक्टर्स, 9.7 ऑलमोस्ट 10 बिलियन सेक्टर्स हैं, और अभी काफ़ी लंबा काम है। वैसे बहुत रिस्की मूव है ये वाली, जो हार्ड डिस्क की केबल हल्की सी भी हिली ना तो दिक्कत हो जाएगी, और दोहार जो है बिल्कुल इसके पास से निकाल के चल रहे हैं भाई साहब, 5 बिलियन सेक्टर्स जो हैं रीड कर चुका हूँ, अब मैं इसको छेड़ने नहीं वाला बिल्कुल भी। अब ये एक बार होगा तो मैं इसका लॉग सेव कर लूँगा, बाद में देखते रहूँगा इसके अंदर क्या क्या। 434 GB ये दिखा रहा है, इतना ही डेटा इसमें दिखाता है, शो होता है, बट इसने डिटेक्ट कितना कर लिया, 866, और इसके अंदर कुछ डिलीट नहीं हुआ। 5 TB की हार्ड डिस्क है, 800 GB तो डेटा है, क्या डिलीट करूँगा। मैं तो अभी यहाँ पे सो रहा हूँ, मेरे पास केबल एक पड़ी हुई है, उस लैपटॉप की बैटरी 100% चार्ज हो चुकी है, बट आईपैड की बैटरी नहीं थी। अब पंगा क्या है कि मेरा लैपटॉप और आईपैड का चार्जर सेम है, तो भी मैंने सोचा आईपैड पे थोड़ी सर्फिंग वगैरह कर लेता हूँ,
पर देखा आईपैड की बैटरी बिल्कुल जीरो, तो मैकबुक से निकाल के फटाफट ऐसे आईपैड पे लगाया चुपके से एकदम, कि हिले ना केबल और वो ख़राब ना हो उसका रिकवरी टूल किट जो भी चल रही है एनीवे। तो अभी इसकी बैटरी जैसे ही 40% होती है तो फिर से उस पर लगा देता हूँ ताकि रात भर में बैटरी ना ख़त्म हो जाए और दिक्कत ना हो जाए, उसी पर लगा देता हूँ क्योंकि अब मेरे को नींद भी आ रही है, सुबह उठ के चेक करूँगा। अगर आपका कोई कॉन्टैक्ट वगैरह कुछ ना हो ना तो भाई लोग ऐसे 60,000 लाख रुपए इतने पैसे ले लेते हैं हार्ड डिस्क रिकवर करने के लिए, और उसके बाद भी आपको वो हार्ड डिस्क नहीं लेके उनको देनी पड़ती है, वो तो हार्ड डिस्क एकदम ख़राब हो जाती है और उसके अंदर भी वो गारंटी नहीं करते। अगर हल्का सा भी सेक्टर इधर का उधर हो गया ना या कुछ भी हेड वगैरह ख़राब हो गया तो आपका सारा डेटा जाएगा। तो केबल को निकाल दिया है तो लैपटॉप पे चार्जिंग पे भी लगाया था। Way back before we blew it all.